गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, सपने में किसी भी तरह की चाबी देखने का मेन मीनिंग यही है कि ईश्वर सपने में चाबी के माध्यम से आपके निकट भविष्य में आने वाले सौभाग्य या दुर्भाग्य के बारे में संकेत दे रहे हैं। यदि आप स्वप्न में देखते हैं कि कोई आपको किसी भी तरह की चाबी दे रहा है या आप खुद ही कहीं से कोई चाबी ले रहे हैं, तो ये स्वप्न आपके भाग्य के लिए बेहद शुभ संकेत है, क्योंकि ये स्वप्न आपको संकेत देता है कि आपको आपकी किस्मत का ताला खोलने की चाबी बहुत जल्द मिलने वाली है। आप वो डिसीजन लेने वाले हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपको जीवन में धन दौलत, मान सम्मान, सुख समृद्धि, प्रसिद्धि, वैभव और ऐश्वर्य सब दिलाएगी। अतः स्वप्न में कोई चाबी दे रहा है या खुद ही कहीं से चाबी ले रहे हैं, ये आपके भाग्य के लिए बेहद शुभ संकेत है। साथ ही यदि स्वप्न में आप देखते हैं कि आपने चाबी लेकर कोई ताला खोला भी है, तो ये आपके लिए और भी उत्तम संकेत है। स्वप्न में ताला खोल देने का संकेत है कि आपने जो योजना बनाई है वो बिल्कुल सही योजना है। इसी योजना के तहत कार्य करने से आपका दुर्भाग्य मिटेगा और सौभाग्य उदय होगा। और स्वप्न में आप की लगाकर कोई व्हीकल स्टार्ट करते हैं, तो ये स्वप्न आपको संकेत दे रहा है कि आपने अब तक अपने मानसिक विकारों को मिटाने के लिए तथा जीवन में शांति, सुख, समृद्धि हासिल करने के लिए जो भी प्रयत्न किए हैं, उन प्रयत्नों का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। अभी तक यदि आप फील कर रहे थे कि आप चाहे जितनी भी भलाई कर लें, पर कभी भी आपके शुभ कर्मों को नोटिस नहीं किया जाता, कायनात आपको आपके शुभ कर्मों का शुभ फल नहीं देती, अगर अब तक आप ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो स्वप्न में चाबी लगाकर व्हीकल स्टार्ट करने का अर्थ यही है कि आपके शुभ कर्मों का शुभ फल अब ऑन द वे है और जल्द ही आपके जीवन में डिलीवर होने वाला है। इसके विपरीत यदि स्वप्न में आप देखते हैं कि आपकी चाबी खो गई है और आप ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रही है, या किसी ने आपसे चाबी ले ली है या आपने स्वेच्छा से किसी को दे दी है, तो इस स्वप्न के बाद आपको पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वप्न आपको संकेत दे रहा है कि आपके नकारात्मक प्रारब्धों के फल स्वरूप आपके सौभाग्य के दरवाजे बंद होने वाले हैं। अतः आपको सद आचरण करना चाहिए और यथासंभव ईश्वर की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्धों का फल भी ईश्वर देते हैं और आपके सौभाग्य के दरवाजे को बंद होने से रोकने का सामर्थ्य भी ईश्वर के पास ही है। अतः आपको पूर्णतः ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।